एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, शुबोज मदर्स परसेंटेज इज 6 टाइम्स देन द शुबोज परसेंटेज। जो शुबोज की मदर की परसेंटेज है, प्रेजेंट मतलब अब की एज है, वो 6 टाइम है शुबो की परसेंटेज के। 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 5 साल बाद जो शुबो की एज होगी वो 1/3 होगी, उसकी जो एज होगी वो 1/3 होगी उसकी मदर की परसेंटेज के। शुबो की तो 5 साल बाद, और उसकी मदर की परसेंटेज में अगर कंपैरिजन देखा जाए तो जो शुबो की एज होगी वो 1/3 होगी, ठीक है। व्हाट आर देयर परसेंटेजेस, हमें प्रेजेंट एजेस बताना है दोनों का, क्या उन दोनों की परसेंटेज कितनी कितनी है, ठीक है। तो लेट सुबोज SHOBOS सुबोज प्रेजेंटेज PRESENT प्रेजेंट एज इज़ टू एक्स ईयर्स, देयर फोर सुबोज मदर्स परसेंटेज MOTHERS सुबोज मदर्स MOTHER मदर्स परसेंटेज PRESENT परसेंटेज कितना होगा। देखिए लिखा हुआ है सुबो की मदर की जो परसेंटेज है वो 6 टाइम है सुबो की एज का, तो 6 टाइम मीन्स 6x ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो इसमें लिखा हुआ उसके बाद 5 साल के बाद, तो सुबो की एज 5 ईयर्स के बाद कितना होगा, x+5, वो कितना होगा, वो 1/3 होगा, किस चीज का 1/3 होगा, मदर की परसेंटेज का। तो मदर की परसेंटेज कितना है, 6x ईयर्स, तो उसका 1/3 होगा, तो 1/3, ठीक है। तो देखिए 5 साल बाद सुबो की एज वो 1/3 होगी जो मदर की परसेंटेज है उसका, तो परसेंटेज कितना है सुबो की मदर का, 6x ईयर्स, तो उसका 1/3 कर दिया हमने। सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करते हैं, 3 1 3, 3 2 6, तो देयरफॉर इट विल बिकम x+5 इज इक्वल्स टू 2x। अब x एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, इसको पहले इंटरचेंज भी कर सकते हैं हम, तो 2x इज इक्वल्स टू x+5। अगर पूरा का पूरा चेंज करते हैं LHS को RHS में, RHS को LHS में, तो साइन चेंज करने का जरूरत नहीं होता। तो अब x को इसके तरफ लिखेंगे, 2x - x = 5, तो x कितना आ गया हमारे पास, x हो गया हमारे पास 5। तो 5 क्या हुआ है, प्रेजेंट एज ऑफ, देयर फोर या फिर हेंस, हेंस प्रेजेंट एज ऑफ, प्रेजेंट एज ऑफ सुबो SHOBO इज़ टू एक्स ईयर्स था, तो 5 ईयर्स। एंड सुबो की मदर का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, एंड प्रेजेंट एज ऑफ, प्रेजेंट एज ऑफ सुबोज मदर SHOBO सुबोज मदर कितना था, 6x ईयर्स, तो 6 × 5 दैट इज 30 ईयर्स, ठीक है। तो सुबो की परसेंटेज हो गई 5 ईयर्स और उसकी मदर की हो गई 30 ईयर्स। थैंक यू।